चार्जशीट दाखिल करने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय न्यायालय के द्वारा या दिल्ली पुलिस के द्वारा इस संबंध में मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, ना ही किसी तरीके का कोई समन जारी किया गया है। लेकिन अगर यह खबर सही है कि सचमुच पुलिस ने चार्जशीट दायर की है, तो हम सबसे पहले जो है पुलिस को, मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि 3 साल के बाद जब वो जाने वाले हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, इस मामले में चार्जशीट आई है। हालांकि हम लोग बार बार जो है 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, अच्छे दिन मांग रहे थे, लेकिन अगर सरकार ने चार्जशीट दाखिल की है तो हम इस बात की कड़ी निंदा नहीं करेंगे। सिर्फ इस संबंध में एक बात बोलना चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो ये चार्जशीट दायर की गई है, इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है। राजनीतिक मंशा इस रूप में है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, किसी भी वादे को वो पूरा नहीं की है, इसीलिए उसके हाथ में जितने पत्ते हैं वो सारे पत्ते खेल देना चाहती है, एक एक करके। चाहे आप सिटीजनशिप बिल को देख लीजिए, चाहे आप 10% जो है सामान्य वर्ग के लोगों के आरक्षण के मामले को देख लीजिए, या फिर ये नेशनल और एंटी नेशनल के मुद्दे को देख लीजिए, ये सारी चीजें जो हैं एक साथ इसलिए की जा रही है ताकि आने वाले चुनावों में, चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री अपना भाषण दे सकें, उनके लिए सामग्री तैयार की जा रही है। इस किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई का कोई आधार दिखाई नहीं देता है और सरकार खुद इस मामले में सीरियस नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर सरकार का आरोप है कि इस देश में, इस देश के खिलाफ कुछ लोगों ने बोला है, तो चार्जशीट दायर करने में आखिर इतना वक्त क्यों लिया गया? चुनाव से ठीक पहले यह चार्जशीट दाखिल करने के पीछे मंशा क्या है? यह जो गंभीरता का कमी दिखाई देता है, वही गंभीरता की कमी जो है आरक्षण के मामले में भी दिखाई देती है, वही गंभीरता की कमी जब GST का जो कैप है उसको बढ़ा करके जो 40 लाख किया गया है उसमें दिखाई देती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हर तरफ भ्रष्टाचार, किसानों पर अत्याचार, और जिस तरीके से विफल हो रहा है इस देश के छोटे व्यापारियों का कारोबार, इस मुद्दे को छुपाने के लिए, ढकने के लिए यह जो झूठ और लूट की सरकार है, उस सरकार तरह तरह के जो है उसके द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई हो, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देश हित का यह मुद्दा है, और देश हित के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से BJP छाती कूटती है, तो उसका सीरियसनेस दिखाई देना चाहिए। हम अब भी चुनौती देते हैं इस सरकार को और इनकी पुलिस को कि इस मामले में सनी देओल की फिल्म की तरह तारीख पे तारीख न दिया जाए, त्वरित कार्रवाई करते हुए, स्पीडी ट्रायल करते हुए इस पूरे के पूरे मामले का जो है निपटारा किया जाए। हम खुद हर सभाओं में जाकर के बोले हैं कि हमको 15 लाख रुपया चाहिए, 2 करोड़ नौकरी चाहिए, और इस देश के किसानों और मजदूरों का जो सवाल है, इस देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और सामान्य वर्ग के गरीब किसान और मजदूरों का जो सवाल है, उन सवालों को हम उठाते रहेंगे। चार्जशीट तो क्या आप जेल में भी डाल देंगे तब भी हम आपकी इस गीदर भभकी से घबराने वाले नहीं है। हमको इस देश के संविधान में और इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, और उस भरोसे से, उस आत्मविश्वास से हम कहते हैं कि आप इस कार्रवाई में अपनी सीरियसनेस दिखाइए। हर बार हर मंच पे जाकर के बोले हैं कि चार्जशीट दाखिल कीजिए। अभी भी चार्जशीट दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है, इस संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है, और सरकार इसमें गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात मैं आप लोगों को कहना। क्या आपको लगता है कि आपके बारे में ही चुनाव लड़ने की बात कही गई, इससे डर करके सरकार ने चार्जशीट फाइल करने की तैयारी की है? देखिए, मेरे से डरने की बात नहीं है, मैं एक बहुत ही छोटा साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से अपोजिशन की यूनिटी हो रही है, जिस तरीके से सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में साथ आए हैं, जिस तरीके से बिहार में एक महागठबंधन बनाने की बात हो रही है, जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके विपक्ष के लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार घबराई हुई है, और घबरा करके, डिग करके जो है, रंगसर करके अपने हाथ के सारे पत्ते इसने फेंक दिए हैं। सारा चाल ये चल चुकी है, और इनका जो डेस्पिरेशन है कि हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं, वो साफ साफ दिखती है। इस संबंध में बस हम एक बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से रहने की जरूरत है, और ये तरह तरह का कार्ड खेलेंगे। मंदिर मस्जिद का कार्ड खेल चुके हैं, आरक्षण का कार्ड खेल चुके हैं, नेशनल एंटी नेशनल का कार्ड खेलेंगे, नक्सल अर्बन नक्सल का कार्ड खेलेंगे, ये सारा चीज खेलेंगे, क्योंकि इनके पास इस देश की जनता को कहने और बोलने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान के। इसीलिए इनको खेलने देने की जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप सरकार पे दबाव बनाइए कि जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं हो, इमीडिएटली इस मामले में कार्रवाई हो। और आज 14 जनवरी है, बस एक बात कहेंगे
चूरा दही खाना है और चोरी कर रहे चौकीदार को उसके गद्दी से हटाना है। चार्जशीट दाखिल करने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय न्यायालय के द्वारा या दिल्ली पुलिस के द्वारा इस संबंध में मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, न ही किसी तरीके का कोई समन जारी किया गया है। लेकिन अगर यह खबर सही है कि सचमुच पुलिस ने चार्जशीट दायर की है, तो हम सबसे पहले जो है पुलिस को और मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि 3 साल के बाद जब वो जाने वाले हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, इस मामले में चार्जशीट आई है। हालांकि हम लोग बार बार जो है 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, अच्छे दिन मांग रहे थे, लेकिन अगर सरकार ने चार्जशीट दाखिल की है तो हम इस बात की कड़ी निंदा नहीं करेंगे। सिर्फ इस संबंध में एक बात बोलना चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो ये चार्जशीट दायर की गई है, इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है। राजनीतिक मंशा इस रूप में है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, किसी भी वादे को वो पूरा नहीं किया, इसीलिए उसके हाथ में जितने पत्ते हैं वो सारे पत्ते खेल देना चाहती है, एक एक करके। चाहे आप सिटीजनशिप बिल को देख लीजिए, चाहे आप 10% जो है सामान्य वर्ग के लोगों के आरक्षण के मामले को देख लीजिए, या फिर ये नेशनल और एंटी नेशनल के मुद्दे को देख लीजिए। ये सारी चीजें जो हैं एक साथ इसलिए की जा रही है ताकि आने वाले चुनावों में, चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री अपना भाषण दे सकें, उनके लिए ये सामग्री तैयार की जा रही है। इस किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई का कोई आधार दिखाई नहीं देता है और सरकार खुद इस मामले में सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर सरकार का आरोप है कि इस देश में, इस देश के खिलाफ कुछ लोगों ने बोला है, तो चार्जशीट दायर करने में आखिर इतना वक्त क्यों लिया गया? चुनाव से ठीक पहले यह चार्जशीट दाखिल करने के पीछे मंशा क्या है? यह जो गंभीरता का कमी दिखाई देता है, वही गंभीरता की कमी जो है आरक्षण के मामले में भी दिखाई देती है, वही गंभीरता की कमी जब जीएसटी का जो कैप है उसको बढ़ा करके जो 40 लाख किया गया है उसमें दिखाई देती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हर तरफ भ्रष्टाचार, किसानों पर अत्याचार, और जिस तरीके से विफल हो रहा है इस देश के छोटे व्यापारियों का कारोबार, इस मुद्दे को छुपाने के लिए, ढकने के लिए यह जो झूठ और लूट की सरकार है, उस सरकार तरह तरह के जो है उसके द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई हो, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देश हित का यह मुद्दा है और देश हित के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी छाती कूटती है, तो उसका सीरियसनेस दिखाई देना चाहिए। हम अब भी चुनौती देते हैं इस सरकार को और इनकी पुलिस को कि इस मामले में सनी देओल की फिल्म की तरह तारीख पे तारीख न दिया जाए, त्वरित कार्रवाई करते हुए, स्पीडी ट्रायल करते हुए इस पूरे के पूरे मामले का जो है निपटारा किया जाए। हम खुद हर सभाओं में जाकर के बोले हैं कि हमको 15 लाख रुपया चाहिए, 2 करोड़ नौकरी चाहिए, और इस देश के किसानों और मजदूरों का जो सवाल है, इस देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और सामान्य वर्ग के गरीब किसान और मजदूरों का जो सवाल है, उन सवालों को हम उठाते रहेंगे। चार्जशीट तो क्या आप जेल में भी डाल देंगे तब भी हम आपकी इस गिदर भक्ति से घबराने वाले नहीं है। हमको इस देश के संविधान में और इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, और उस भरोसे से, उस आत्मविश्वास से हम कहते हैं कि आप इस कार्रवाई में अपनी सीरियसनेस दिखाइए। हर बार हर मंच पे जाकर के बोले हैं कि चार्जशीट दाखिल कीजिए। अभी भी चार्जशीट दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है, इस संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है, और सरकार इसमें गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। आपको लगता है कि आपके बारे में चुनाव लड़ने की बात कही, इससे डर करके सरकार ने चार्जशीट फाइल करने की तैयारी की है? देखिए, मेरे से डरने की बात नहीं है, मैं एक बहुत ही छोटा साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से अपोजिशन की यूनिटी हो रही है, जिस तरीके से सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में साथ आए हैं, जिस तरीके से बिहार में एक महागठबंधन बनाने की बात हो रही है, जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके विपक्ष के लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार घबराई हुई है, और घबरा करके, डिग करके जो है, रंगसर करके अपने हाथ के सारे पत्ते इसने फेंक दिए हैं। सारा चाल ये चल चुकी है, और इनका जो डेस्पिरेशन है कि हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं, वो साफ साफ दिखती है। इस संबंध में बस हम एक बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से रहने की जरूरत है, और ये तरह तरह का कार्ड खेलेंगे। मंदिर मस्जिद का कार्ड खेल चुके हैं,
आरक्षण का कार्ड खेल चुके हैं, नेशनल एंटी नेशनल का कार्ड खेलेंगे, नक्सल अर्बन नक्सल का कार्ड खेलेंगे, ये सारा चीज खेलेंगे, क्योंकि इनके पास इस देश की जनता को कहने और बोलने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान के। इसीलिए इनको खेलने देने की जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप सरकार पे दबाव बनाइए कि जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं हो, इमीडिएटली इस मामले में कार्रवाई हो। और आज 14 जनवरी है, बस एक बात कहेंगे, चूरा दही खाना है और चोरी कर रहे चौकीदार को उसके गद्दी से हटाना है।